सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रूठो बेशक अपनों से, लेकिन मनाने पर मान जाओ। अपने तो आखिर अपने हैं, ये बात तुम जान जाओ। होती है गलती गलती से, गलती ना की हो जिसने, कभी सामने वो इंसान लाओ। अक्सर टूटने पर पता चलती है अहमियत, अनमोल दिल के रिश्ते को पहचान जाओ। बजती है ताली दोनों हाथों से, ये वसूल है दुनिया का, सम्मान दो सम्मान पाओ। हाथों की लकीरों से ज्यादा हाथों पर भरोसा किया करो। नसीब कुछ दे या ना दे, मगर हाथ से की गई मेहनत दो वक्त की रोटी जरूर देगा। आज का पंचांग 28 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रात्रि 8 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 1:04 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:46 से 3:07 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:49 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर शाम 6:38 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 28 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार, आप असृजनात्मक महसूस करेंगे और बहुत सारे कामों के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि आपको यह वास्तविक भय रहेगा कि दूसरे क्या सोचेंगे और कहेंगे। आपको यह समझना है कि सही नजरिए से आधा काम तो बिना किए ही हो जाता है। यद्यपि सृजनात्मक और ऊर्जापूर्ण रहने के बावजूद आपका आत्मविश्वास आज साथ नहीं देगा। अच्छा, आपकी मेहनत और लगन से कोई रुका हुआ काम संपन्न होने वाला है। घर में निकट संबंधियों के आगमन से खुशी भरा माहौल रहेगा। साथ ही कुछ पुराने मतभेदों का निवारण होगा। संतान संबंधित किसी समस्या का हल मिलने से राहत मिलेगी। नया मौका जीवन को नई दिशा दे सकता है। इस बार गलती ना होने दें, लोगों के कारण खुद पर दबाव ना बढ़ने दें। नकारात्मक विचारों की वजह से आप खुद के प्रगति के लिए बाधा बन सकते हैं, इसीलिए सकारात्मक रहें। काम आगे बढ़ाने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ सकती है। कठिन समय में खुद को प्रेरित बनाए रखें। अपनी समस्याओं की चर्चा किसी व्यक्ति के साथ जरूर करें। काम में नयापन लाने से पहले जो बदलाव आप लाना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। रिलेशनशिप की नई शुरुआत से जीवन में बदलाव आ सकते हैं। शारीरिक कमजोरी के कारण तकलीफ होने की संभावना है। सावधानियां, अपनी महत्वपूर्ण चीजों की संभाल स्वयं करें। सपनों की दुनिया से बाहर आए तथा हकीकत को समझकर कार्य करें। अन्य पर विश्वास करना नुकसानदायक रह सकता है। कोशिश करके अपने काम खुद ही निपटाने का प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर मौजूदा संबंधों में वो अपनापन आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी अपने मन को सकारात्मक रखें। आपका साथी अपने प्रेम की भावनाओं को उसी तरीके से व्यक्त नहीं कर रहा है जिस तरीके से आप व्यक्त करते हैं। ये समय किसी को चोट पहुंचाए बिना आगे बढ़ने का समय है। आप लोगों से मिले समारोह में जाए और हो सकता है कोई साथी आपको मिल जाए जो आपके दिल को समझेगा। आप विनम्र और कोमल रहें। कुछ आश्चर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। बात करते हैं करियर की। आज्ञाकारी होना अच्छा है, लेकिन दूसरों के मुताबिक कार्य करना सही नहीं है। आप और आपके विचार सबसे अलग हैं। आपको जो सही लगे वो करें और लोगों की बातों में आने से बचें। आप अपने व्यय योजना में अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सकारात्मक वित्तीय बदलाव आए, इसीलिए आगे बढ़ें और योजना को अंजाम दें। बिजनेस में चुनौतियां आ सकती है। मेहनत ज्यादा और काम कम होने जैसी स्थिति भी रहेगी। पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें। नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो कोई अनुभवी की सलाह लेना भी जरूरी है। बात करते हैं सेहत की। मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत अधिक थकान महसूस करेंगे। सकारात्मक रहें तथा मेडिटेशन और व्यायाम अवश्य करें।
आशय अपनी वर्तमान जीवन शैली की स्वास्थ्य जोखिम के बारे में जागरूक होंगे और इसमें सुधार के लिए कोई कार्यक्रम बनाएंगी। कुछ कारणों से आपको किसी स्वास्थ्य संबंधी जांच करानी होगी और इससे आप संभावित खतरे के प्रति सावधान हो जाएंगे। आप पहले भी कई बार इससे बेहतर जीवन शैली अपनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस बार आपको यह करना थोड़ा आसान रहेगा। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।